हरे कृष्णा राधे राधे। पूजा देसी किचन वन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज बना रही हूँ बेसन की सब्जी, क्योंकि गर्मियों में हमेशा यही रहता है कि हम क्या बनाएं क्या बनाएं। तो आज हम बना रहे हैं बेसन की सब्जी। देखना कि हम किस तरीका से बेसन की सब्जी बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। तो मैं दिखाती हूँ कि किस तरीका से बेसन की सब्जी बनाएंगे। तो मैंने ये बेसन लिया है। इसमें हमारा कोई मेजरमेंट नहीं है कि हमें कितना बेसन लेना है। जितना आपका भाई खर्चा हो उस हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। तो मुझे थोड़ी ही सब्जी बनानी है तो मैंने थोड़ा सा ही बेसन लिया है। तो करते हैं हम सब्जी बनाना स्टार्ट। सब्जी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग और नमक डालेंगे हम बहुत हल्का सा स्वाद अनुसार, क्योंकि हम मसाले में भी नमक डालेंगे। और दो चार ये अजवाइन के दाने डाले हैं मैंने हाथ से क्रश करके। और इसमें एक चम्मच डालूंगी मैं घी। आप सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके पास तेल हो वो डाल सकते हैं। मैं इसमें एक चम्मच घी डाल लेती हूँ। अब मैं इसमें पानी डालकर सॉफ्ट सा, जैसा हम आटा लगाते हैं इस तरीका से हम इसे इसका डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। और दिखाती हूँ मैं मुझे किस तरीका से इसका डो बनाना है। ये रहा, इस तरीका से मैंने बिल्कुल जैसा हम आटा लगाते हैं, ना टाइट और ना ही ज़्यादा पतला, इस तरीका से मैंने ये बेसन लगाकर तैयार कर लिया है। और दिखाते हैं कि हम कैसे बनाएंगे बेसन की सब्जी। के लिए अब मैंने कर ली है मसाले की तैयारी। तो मसाले में मैंने प्याज लिए और लहसुन लिया है थोड़ा सा, इतना कोई खास मसाला नहीं डाल रही हूँ। टमाटर भी नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो टमाटर इसमें डाल सकते हैं। तो हरी मिर्च को तो मैं वैसे तड़का नहीं डालूँगी, कट करके रख लिए। और इनका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो इस बार लगाते हैं इनमें, पेस्ट बनाती हूँ इनका। इधर गैस पर रख दिया है मैंने पानी उबलने के लिए। और अब मैंने ले लिया है बेसन का जो आटा लगाया था, इसकी हम बत्ती बनाते हैं लंबी लंबे। दिखाऊंगी मैं किस तरीका से बत्ती बनाऊंगी। हाथ से जैसे हम जवा तोड़ते हैं उस तरीका से हम इनके लंबे लंबे सेल बना लेंगे। और ये रखी मैंने गैस पर कढ़ाई, इसमें डालते हैं अब हम तेल। मैंने इस तरीका से लंबी लंबी हाथ से इनकी बत्तियां बना ली हैं। और चाहें तो आप स्लब पर ऐसे करके भी इन्हें बना सकते हैं, क्योंकि जिनसे हाथ से बनानी नहीं आती वो चकला पर रख के या स्लब पर उसे ऐसे करके भी हाथ से बना सकते हैं। और ये मेरा पानी उबल चुका है, अब इसमें डालूंगी मैं सारी बत्तियां बनी हुई, उसमें डाल देंगे। और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मैं उबाल लूंगी। और ये मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम जीरा। ये मैंने हरी मिर्च डाल दी पकड़ी। इधर करते हैं मसाले की तैयारी। तो मैंने ये पेस्ट बना लिया था। तो इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, मिर्च डालेंगे हम स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हींग पाउडर डालेंगे, हींग स्वाद अनुसार। और हम इसमें डालूंगी नमक। नमक इसमें मैं कम ही डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें बेसन में पहले से डाला हुआ था। ये रहा, सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाला इसमें नहीं डाला है। आप सब्जी मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। जीरा और हरी मिर्च हल्के सुनहरे हो चुके हैं, अब मैं इसमें डालूंगी। इस सब्जी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। जो भी टाइम लगता है बस बेसन को इसमें आटे की तरह बनाने में टाइम लगता है, और बाकी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये सेवई सी मेरी पक गई हैं, और इन्हें पकने का यही तरीका होता है कि जब ये पक जाती हैं तो इनके ऊपर छाल आने लगते हैं। और इधर मेरा मसाला भी भुन रहा है। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। गर्मियों में हमेशा सब्जी का ये दिक्कत रहती है कि हम क्या बनाएं, और इसको बड़े बूढ़े और बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप भी आपकी गर्मियों में एक बार इस सब्जी को
ट्राई कर जरूर बताएं। हमारे यहाँ पर इसे सेवई की सब्जी बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स से बताएं कि हमारे आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। ये रहा मसाला मेरा भुन गया है और अब मैं इसमें जो मैंने सेवई बनाई थी उन्हें डाले देती हूँ। अब इसमें तभी अपने इच्छा अनुसार धनिया ज़्यादा रख सकते हैं। हम इसमें सारी सेवई और ये पानी जो मैंने डाला था उबालने के लिए वो सारा इसमें ऐड कर देते हैं। ये रहे सब्जी, देखो 2 से 3 मिनट में मेरी बनकर रेडी हो चुकी है, क्योंकि इसमें गर्मी तो पानी था, उबले हुए पानी में हम डालते हैं सेवैयों को। ये रहे बहुत टेस्टी सब्जी लगती है, आप इसे गाढ़ा या पतला अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो मैंने पतली ही रखी है क्योंकि मेरे बच्चों मुझे ज्यादातर पतली सब्जी पसंद है। दिखाते हैं सब्जी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। सब्जी मेरी बनकर रेडी हो चुकी है। ये सब्जी खाने में बहुत टेस्टी लगती है और इसे सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, असल बड़े बूढ़े तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप गर्मी हो या सर्दी हो कभी भी ये सब्जी बनाकर तैयार करते हैं, और अक्सर सब्जी हमेशा ही गर्मियों में ही बना जाती है क्योंकि गर्मियों में सब्जी की ज़्यादा रहती है कि क्या बनाएं और क्या खाएं। हरी सब्जी कम पसंद करते हैं बच्चे और बड़े, तो इसलिए ये सब्जी ज़रूर ट्राई करें एक बार। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।